हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार सुमित। मैं हूं इस समय, भाई इधर मत देखना, इधर ही देखना, मैं हूं इस समय फॉक्सवैगन हल्द्वानी पे और अपने सामने है फॉक्सवैगन की नई टाइगुन। बिल्कुल अब तक इसको मैंने कवर नहीं किया था और कवर नहीं कर पाया था ये भी कह सकते हैं, लेकिन वेट पूरा हो गया है मेरा खुद का। आप लोग जितना एंजॉय करोगे तो वो तो है ही, लेकिन भाई मैं खुद वेट कर रहा था काफ़ी टाइम से। सामने अपने हैं जो इसका बीच वाला वेरियंट आता है। नाम भले ही इसका भाई हाईलाइन है, सुनने में ऐसा लगता है कि हाँ सबसे ऊपर है, सबसे हाई मॉडल है, लेकिन नहीं, ये बीच का वेरिएंट है। इससे ऊपर टॉप लाइन भी आता है, नीचे कंफर्ट लाइन आता है। तो अपने पास है बीच वाला वेरिएंट। भाई बहुत लोग हाथ रख रहे हैं इस पे, जिन लोगों को सनरूफ नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें सनरूफ नहीं आती, इससे ऊपर वाले वेरिएंट में आती है। जिन लोगों को सनरूफ नहीं चाहिए और पैसे थोड़े बचाना चाहते, उनके लिए तो पहली चॉइस हो जा रही है ये। तो भाई सबसे पहली चीज़ क्या है यार, लुक देखो इसका। और लुक से पहले यार ऐसा करता हूँ, मैं पैसे ही बता देता हूँ इसके। 12,99,900, मतलब 13 लाख रुपए एक शोरूम प्राइस है इसकी। ऑन रोड की बात करें तो यहीं पर ही फॉक्सवैगन हल्द्वानी में अगर आप लेते हैं तो भाई ये पड़ रही है आपको 15,20,000 रुपए के आसपास। ये हो गई कीमत। आप कहोगे यार 15 लाख कम नहीं होते, बतेरे होते 15 लाख रुपए, तो भाई आप गाड़ी देखोगे ना, जब सारी चीज़ें अभी पूरा वीडियो देखोगे तब आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यार कुछ है, ये कुछ चीज़ है। इसका केवल डोर खोलोगे ना और बंद करोगे फिर तभी चीज़ समझ आ जाएगी कि हाँ 15 लाख रुपए जो डाल रहे हो वो पूरे वर्दी हैं। और भाई अब देखते हैं इसका लुक। सबसे पहले दीदार करते हैं यार सामने से। इतना शार्प डिज़ाइन, इतना एजी डिज़ाइन, मतलब ऐसा लगता है बिल्कुल ठुकी हुई गाड़ी है कोई, बिल्कुल ऐसी कोई पोली पोली सी गाड़ी नहीं लगती। जगह जगह क्रीज़, आप ये देखो क्या बात है, हर चीज़ एज टू एज। बहुत हिम्मत चाहिए डिज़ाइनिंग टीम को इस तरह का शार्प डिज़ाइन, शार्प गाड़ियाँ बनाने में, क्योंकि उन्हें खुद पता है बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत लगती है इस तरह के डिज़ाइंस को एज टू एज मैच करने में। आप ये देखो, अगर क्वालिटी कंट्रोल ऐसा ना हो तो क्या ये चीज़ मैच हो जाएगी? इसीलिए ज़्यादातर जो बल्क मास गाड़ियाँ प्रोड्यूस होती हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा सेल्स वॉल्यूम होती है, वो ज़्यादा ऐसे शार्प डिज़ाइन नहीं रखती हैं, ज़्यादातर गोलाई गोलाई आपको दिखेगी। लेकिन इसमें भाई कैरेक्टर लाइन इतनी ज़्यादा है और मस्त लगती है यार गाड़ी, बहुत तारीफ़ें हो गई। फिलहाल आ जाते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पे। सबसे पहली चीज़, जो चीज़ अच्छी लग रही है वो है भाई इसकी चौड़ाई। रोड प्रेजेंस इसी से बनती है, बाकी सारे डिज़ाइन वगैरह तो मैटर करते ही हैं, लेकिन रोड प्रेजेंस इसी से बनती है। 1760 mm इसकी चौड़ाई है। फिलहाल देखते हैं बीच में लोगो क्या गजब का लग रहा है, जान है भाई ये, सही बता रहा हूँ। जो एक बार ये ले लेता है इसके अलावा कहीं और नहीं जाता, ये होती है लॉयल्टी। यहाँ पर देखते हैं ग्रिल एसेंट्स क्रोम के कुछ इस तरह से मिल जाते हैं, ऊपर स्ट्रेट लाइन है। और बात करें हेडलैम्प की तो भाई बिल्कुल उसी शेप में, ऐसा नहीं है बिल्कुल स्वैप बैक दे दिए, गोलाई मोलाई इसी दे दी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा पूरा कैरेक्टर है गाड़ी का वैसे ही हेडलैम्प दिए हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है हाई बीम के लिए या लो बीम के लिए, दोनों के दोनों हैलोजन बेस्ड हैं रिफ्लेक्टर वाले। यहाँ पर आपको DRL मिल जाती है, ऑलवेज ऑन रहेगी, जैसी गाड़ी चलेगी प्रेजेंस अच्छी देती है। और भाई यहाँ पर ये आपको मिल रहा है इंडिकेटर हैलोजन का। अभी इसकी सबसे बेस्ट जो मुझे लगती है ना प्रोफाइल, आगे की तो है ही मस्त ज़बरदस्त, पीछे की बात करेंगे तो भाई क्या चुम्मा लगती है, बहुत बढ़िया। अभी साइड प्रोफाइल से पहले पीछे ही दिखा दूंगा, ज़रा आगे का निपटाते हैं ये। तो ये है कुछ लुक। नीचे आपको बम्पर में यहाँ पर ग्लॉसी ब्लैक के साथ साथ क्रोम का काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट मिलता है। कोई भी इसमें एसेसरी नहीं लगी हुई, आपको ये लगे कि यार क्रोम बहुत ज़्यादा दिख रहा है, एसेसरी कोई नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी से ही आपको ऐसी मिलेगी, बीच वाला वेरिएंट ही देखने में लग रहा है कोई टॉप ऑफ वेरिएंट होगा। भाई इस तरह से आपको यहाँ पर मिल जाता है फॉग लैम्प, और यह है पूरा लुक। नीचे आपको दिख जाती है इस तरह से स्किड प्लेट, और ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा शार्प डिज़ाइन है। अब आ जाती है बात रियर की, एक बार सीधा रियर ही दिखाऊंगा, बाकी अभी करेंगे शुरू यार, पूरे मज़े लेने हैं गाड़ी के मुझे। ये देखो यार क्या बात, ये है भाई लुक, यहाँ का कोई डिज़ाइन नहीं लगता, ये सीरियसली कह रहा हूँ, बनी स्पेशली इंडिया के लिए है ये प्रोडक्ट ही, ऐसा है, ऐसा नहीं है पहले बाहर लॉन्च हो गया फिर यहाँ आया, ये इंडिया के लिए ही स्पेशली बना है। लेकिन भाई बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक इसके ऐसे दे दिए जैसे बाहर की गाड़ी है, कितनी प्यारी लगी है। डिफ्यूज्ड पूरी LED, जैसे ही आप लाइट जलाएंगे ऑलवेज ऑन मोड में यही जलेगा, और जैसे ब्रेक दबाएंगे तो भाई ये देख रहे हो, ये छोटे छोटे से इनके बीच में लाइट जलेगी स्टॉप लैंप के तौर पर। यहाँ पर आपको इसके अंदर ही पूरा का पूरा ब्लैक आउट मिल रहा है, ये ग्लॉसी ब्लैक, जैसे आप क्रोम का टाइम चला गया, आगे क्रोम का एलिमेंट ज़्यादा है लेकिन पीछे आपको ब्लैक क्रोम बोलते हैं जनरल मार्केट में इसे, वैसे तो पियानो ब्लैक फिनिश है लेकिन मार्केट में आप जाओगे तो ब्लैक क्रोम नाम लेते हैं, तो भाई वही एलिमेंट मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको इंडिकेटर और रिवर्स लैंप मिल जाते हैं। इस तरह से रियर का लुक है। और भाई अभी क्या क्या मिल रहा है, चलो मैं लाइट दिखाने आया था, फिलहाल आ जाते हैं फिर से फ्रंट पे। ठीक, फ्रंट कुछ इस तरह का देख लिया, चौड़ाई आपको बता दी, ओवरऑल स्किड प्लेट वगैरह मस्त लग रही है। अब आ जाते हैं साइड प्रोफाइल पे, तो भाई देखने में ऐसा लगता है कि यार ये जो हमारी कॉम्पैक्ट SUV है, सब 4 मीटर वाला कैटेगरी है उसमें आती है, लेकिन नहीं भाई,
ये 4 मीटर से ऊपर है, बिल्कुल 4220 mm 4220 mm इसकी लेंथ है, जो कि अट्रैक्ट करती है ज़्यादा टैक्सेस। अगर आपको ये लग रहा है कि यार बाकी गाड़ियाँ इससे केवल 200 mm ही तो कम है, तो भाई उसमें टैक्सेस कम लगते हैं इसीलिए थोड़ी सी प्राइसिंग कम हो जाती है। लेकिन इसमें कंपनी ने ये चीज़ नहीं सोची है कि यार 200 mm हम कम करके जो लुक है वो बिगाड़ दें, जो ओवरऑल गाड़ी का पोस्चर है वो बिगाड़ दें। जो मज़ा ऐसे डिज़ाइन में है, पूरी प्रोपोर्शनेट लग रही है भाई, आगे का बोनट एरिया भी बड़ा है, पीछे का कैबिन एरिया भी, ओवरऑल जो कॉम्पैक्ट एसयूवीज है उनसे अच्छी लग रही है। कैरेक्टर वही दिए हुए हैं आपको, इस तरह से पूरी क्लैडिंग व्हील आर्चेस पे, और 360 डिग्री में आपको पूरी की पूरी ब्लैक क्लैडिंग मिल जाएगी। यहाँ पर देखते हैं ग्राउंड क्लियरेंस, तो भाई वो मिल जाता है आपको 188 mm का। अब आती है बात व्हील्स की, व्हील में एक स्पेशल चीज़ दिखाता हूँ अभी, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी प्रोफाइल। तो भाई ये मिल जाता है आपको 205/60R16 16 इंच का एलॉय व्हील है, बीच में आपको फॉक्सवैगन का दिख रहा है यहाँ पर लोगो, और भाई देख रहे हो ये यहाँ, ये आपको स्पेशल यहाँ पर लक्स मिल रहे हैं, ऐसे नहीं है कोई भी आएगा और इसको खोल लेगा भाई, अलग से इसमें एलंकी टाइप देखो स्टार जैसा है यहाँ पर, और अलग से इसमें एलंकी लगेगी तब जाके ये निकलेंगे और खुलेंगे, जो कि एक्स्ट्रा सेफ्टी आपको दे देता है। जनरली हमने देखा है भाई महंगे महंगे एलॉयज हैं, नई गाड़ी लेके बाहर पार्क होती है और भाई क्या होता है सुबह तक ईंट पर टंगी हुई मिलती है गाड़ी, एलॉय व्हील गायब हो चुके होते हैं, तो ये चीज़ एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए आपको दी है। अंदर डिस्क ब्रेक मिल जाती है, रियर में आपको सिर्फ ड्रम ही मिलता है, ठीक है। इस तरह से पूरी प्रोफाइल है, ब्लैक्ड आउट बी पिलर है, और आप ये देखो साइड प्रोफाइल और ज़बरदस्त करने के लिए यहाँ पर ये एक्स्ट्रा पार्ट दे दिया है, यहाँ पर क्वार्टर ग्लास ऐसा फील होता है दूर से देखने में है, लेकिन भाई क्वार्टर ग्लास नहीं है यहाँ पर, अंदर पूरा का पूरा सॉलिड है, यहाँ से भी ये सॉलिड प्लास्टिक पीस है, लेकिन दूर से देखने पर साइड प्रोफाइल बढ़िया कर देता है। शोल्डर लाइन इस तरह से ये देख रहे हो, ये पूरी ऐसे जाती है, शार्प एजेस ही हैं, कहीं भी आपको गोलाई नहीं मिलेगी इसमें, ये चीज़ गारंटीड है। यहाँ पर आप देखते हो इंडिकेटर मिल जा रहा है, ORVM मैनुअली फोल्डेबल है इस तरह से, और भाई क्या क्या चीज़ देखें, क्लैडिंग पूरी आपको मिल जाती है, साइड प्रोफाइल अच्छी लगती है ओवरऑल, ऊपर आपको रूफ रेल भी दे दी है जो कि कैरेक्टर दे रही है गाड़ी को। यहाँ पर मिल जाता है हमको इस तरह से फ्यूल फिलर कैप, अभी गाड़ी लॉक है, एक बार इसको करता हूँ अनलॉक, यह है फ्यूल फिलर कैप, इनमें यह चीज़ है सीधा एक बार दबाओ, फोर्ड में भी ऐसे ही होता था, आपको अंदर से नहीं खोलना, सीधा यहाँ से ऐसे करके खुलेगा और ये आपको दिख जाएगा। तो भाई एक बार कैपेसिटी भी बता दूँ इसकी, ये मिल जाता है आपको 50 लीटर का, तो अब इसको करते हैं यहाँ से बंद। तो ये है पूरी प्रोफाइल, साइड प्रोफाइल हो गई हमारी, हाँ व्हील बेस रह गया था भाई, व्हील बेस उसमें मिलता है आपको 2650 mm का, 2651 mm का, जो कि अगेन सेगमेंट में सबसे बड़ा, और सेगमेंट मैं नहीं कहूँगा इसे पूरी तरह से, क्योंकि सेगमेंट से ऊपर ही चली जाती है, जैसा मैंने बताया 4.2 मीटर की गाड़ी है, इसीलिए सब 4 मीटर वाले सेगमेंट से तो ऊपर ही है भाई। रियर प्रोफाइल आपको दिखाई दी, फिलहाल रियर प्रोफाइल में मिल क्या क्या रहा है वो भी देख लो, वाइपर भी मिल जाता है यहाँ पर आपको देख रहे हैं, डिफॉगर भी है ऊपर, हाई माउंट स्टॉप लैंप जो कि इंटीग्रेटेड है हमारी स्पॉयलर में, यहाँ पर मिल जाता है ब्लैक कलर में, मतलब गाड़ी वाइट है और थोड़ा स्पोर्टी नेचर के लिए, और कंट्रास्ट में आपको ब्लैक देख रहे हो, ग्लॉसी ब्लैक है वो मिलता है, शार्कफिन एंटीना, और इस तरह से यार जितनी बार देखो यार कम है, क्योंकि कुछ नया है, ऐसा होता है ना कि यार देखते देखते बोर हो जाते हैं, हेडलाइट चेंज कर दी, बम्पर चेंज कर दिया, वो चीज़ें दिखती है, लेकिन लाइट जो लुक देती है ना वो अलग ही लेवल होता है। और भाई नीचे आप देखते हैं यहाँ पर फॉक्सवैगन का लोगो है, उसके साथ ये देख रहे हो कैमरा भी आपको दिया हुआ है, मतलब चीज़ें इसमें सारी की सारी दे दी हैं, आप कुछ भी ऐसा बोलोगे कि यार ये दिया है, मैं कहूँगा हाँ भाई दिया है, भले ही बीच का मॉडल है ये। यहाँ पर आपको टाइगुन लिखा हुआ दिखता है और उसके साथ TSI, जो कि भाई टर्बो इंजन की सीरीज़ है फॉक्सवैगन की तरफ से, और इसमें 1.0 वाला इंजन, अभी दिखाऊंगा इंजन में पावर वगैरह पूरा, ये मैं सोच रहा 1.0 कह रहा हूँ, 1000 cc कह रहा हूँ, और कहोगे यार इतनी बड़ी गाड़ी है 1000 cc क्या ही देगा, बहुत लोगों के मन में रहता है ये डाउट, यार 1000 cc का इंजन है कम से कम 1200 तो होता 15, अरे भाई आउटपुट देखो आप, पावर देखो, ये अच्छी चीज़ है, छोटे से छोटा शरीर बहुत तगड़ा आउटपुट दे दे, बहुत ज़्यादा पावर लिफ्टिंग कर दे, पावर दिखा दे, तो भाई उससे अच्छा क्या है, वही चीज़ है, बड़ा इंजन ज़रूरी नहीं होता, जो उसकी आउटपुट पावर है वो ज़रूरी होती है, वो इसमें बहुत बढ़िया मिल रही है, अभी नहीं बताऊंगा बाद में बताऊंगा। यहाँ पर देख लेते हो तो भाई इस तरह से स्लैट देख रहे हो, यहाँ पर ब्लैक क्रोम है और भाई यहाँ पर आपको नॉर्मल क्रोम मिल जाता है, तो इस तरह से पूरी प्रोफाइल हो जाती है रियर की भी, और भाई वीडियो लंबा ही हो जाएगा मुझे लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं भाई, जो होगी देखी जाएगी। ये हो गई साइड प्रोफाइल फिर से, तो इस तरह से कंप्लीट हो जाती है हमारी गाड़ी, सॉलिड लग रही है देखने में, आपको खुद फील हो रहा होगा, तो भाई सॉलिड है बिल्कुल, 1200 किलो से ऊपर वेट है इसका बिल्कुल भाई। अब ज़रा चलते हैं इसके इंटीरियर में, इंटीरियर के लिए अपन को चाहिए होती है चाबी, तो ये है अपनी की कुछ इस तरह से, यहाँ पर लॉक, ये हो गया लॉक, यहाँ पर अनलॉक, अनलॉक हो गई, और भाई इसके साथ बूट रिलीज़ का यहाँ पर दिया हुआ है, होल्ड करके रखेंगे, और ये जल गए हमारे इंडिकेटर इस तरह से। अब यहाँ पर दिया हुआ रिक्वेस्ट सेंसर, ये खुल जाएगा, अभी नहीं दिखा रहा, अंदर स्पेस बढ़िया है,
अब ज़रा चलते हैं अंदर की तरफ, इसको करके अनलॉक। और ये देखो यहाँ पर ये हमेशा से फॉक्सवैगन ग्रुप में, जैसे ही लॉक करेंगे तो जैसे मारुति वगैरह की गाड़ी में बीच में लाइट जलती है वहाँ पर या वहाँ पर, तो भाई इसमें यहाँ पर जलती है इस तरह से ये। ठीक, इसको करते हैं अनलॉक। इमोबिलाइज़र की है वो लाइट। अब भाई ये है कहानी, डोर ट्रिम में कुछ इस तरह का, वैसे ही जैसा बाहर शार्प डिज़ाइन है कैरेक्टर्स है वैसे ही अंदर भी दिखता है। ये देख रहे हो इस तरह से पूरा लेआउट है। यहाँ पर बीज कलर के साथ साथ सिल्वर, साटन सिल्वर और हल्का सा डार्क टोन है इसमें सिल्वर में ही। ठीक, यहाँ पर हैंडल कुछ इस तरह से मिल रहा है। और भाई ये कुछ नहीं है, ये ऊपर से खाली कवरिंग है वैसे ही। ठीक, यहाँ पर आपको हैंडल मिल रहा है जो कि पोलो में भी आता था और मस्त लगता था वो भाई जब उससे बंद करते थे। चारों पावर विंडो का बटन है, ऑटो अप एंड डाउन दोनों यहाँ पर मिल जाते हैं ड्राइवर साइड के। ये मिल जाता है आपको एडजस्टेबल, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हमारे मिरर हैं। ठीक हो गई बात। उसके नीचे आपको बॉटल होल्डर बड़ा सा मिल रहा है और पीछे भी सामान बतेरा यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर भाई अम्ब्रेला होल्डर भी है इधर को। ठीक, स्पीकर चार स्पीकर हैं, दो ट्विटर इसमें आपको मिल जाते हैं। और मैनुअली सेंटर लॉक करेंगे अगर, इस तरह से आप बटन दबा सकते हो, सेंटर लॉक हो जाएगी। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ हो गई चलो, लेकिन नॉर्मल चीज़ों में भी सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जा रही हैं। मुद्दा ये है, यहाँ पर देखते हैं अब आती है बात सीट की। तो भाई सीट आपको मिल रही है इस तरह के, हेडरेस्ट एडजस्टेबल हैं, सीट काफ़ी ऊंची सी लग रही है देखने में, देख रहे हो इस तरह से बड़ी सी। और भाई अंडर थाई सपोर्ट तो क्या ही कहने, बहुत बढ़िया है। बोस्टर्स अच्छे हैं, पकड़ के रखेंगे। हाइट एडजस्टमेंट इसमें दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। इस तरह से कर देते हैं ज़रा से नीचे, इसको करते हैं थोड़ा सा पीछे। अब ज़रा इसमें बैठेंगे, बाहर के हो हल्ला से दूर होकर अपने जोन में करेंगे फोकस, करेंगे एक दीदार इसके। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त लग रहा है। देखो इंटीरियर में बात है यार, कुछ कुछ बनाई है ये गाड़ी। इस बार जो है मॉडर्निस्टिक डिज़ाइन है थोड़ा, मतलब जैसा हम पुराने ढर्रे पे चलता आ रहा था डिज़ाइन हम देखते थे, एकदम से अमेज जैसे नहीं होते थे हम, तो वो चीज़ इसमें हट गई है। इसमें बैठते ही यार फील होता है कि हाँ हम इंडिया की गाड़ी में नहीं बैठ रहे हैं, ये चीज़ लगती है हमको। तो भाई इस तरह से चाबी है, चाबी ये बताया था, बटन तो दिखा दिए, फ्लिप की है भाई। इसको लगाते हैं ज़रा यहाँ पर, और क्या बात है भाई, इस तरह से आपको दिख जाता है यहाँ पर क्लस्टर। पहले क्लस्टर की बात कर लें, बढ़िया लग रहा है, वाइट बैकलाइट है और उसके साथ साथ एनालॉग में है पूरा का पूरा, दोनों चीज़ें हमारी। ये मिल रहा है टैको, ये मिल रहा है यहाँ पर स्पीडो। और स्पीड देख लो भाई साहब, 260 भाई हमारी वैगनार तो 180 तक ही दिखाती है मैक्सिमम। मैं दिखाने की कह रहा हूँ, भागती कितना है कितनी, मैं कहूँगा ही नहीं कि टेस्ट करो या आप मुझे बताने लोगों हमने इतने पे, भाई कभी नहीं करो। और भाई यहाँ पर देख लेते हैं, ये टेम्परेचर आपको दिख रहा है, और टेम्परेचर वैसा नहीं है बार वगैरह या हाई एंड लो, यहाँ पर देखो 50 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ पर 130 इस तरह से दिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, ये दिख रहा है हमको फ्यूल का लेवल। ठीक है, उसके बाद आ जाती है यहाँ पर MID में तमाम चीज़ें, और जैसे स्टॉक दिए होते हैं, स्टॉक्स नहीं दिए हुए इसमें, यहाँ पर ये दिया हुआ है। इस तरह से हमारी सारी इन्फॉर्मेशन अलग अलग चेंज होती रहेगी, इससे हम सेट वगैरह कर सकते हैं। ट्रिप देख रहे हो, ये हो गई हमारी रीसेट। ठीक, और उसके अलावा आ जाते हैं अब यहाँ पर स्टेयरिंग पर। स्टेयरिंग मिल रहा है आपको भाई, सेकेंड वेरिएंट है ये, जैसा आपको बताया यही आपको लेदर रैप्ड स्टेयरिंग दे दे रहा है। क्या बात है, देखो गजब लग रहा है। एक बार इसको जरा बंद करते हैं, अभी चलाएंगे क्योंकि ठीक है बंद हो गया, ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, मस्त लग रहा है ना, अभी दिखाता हूँ। तो भाई ये लेदर रैप्ड आपको मिल रहा है। यहाँ पर हॉर्न देखते हैं, हॉर्न इसमें भाई पोंपों वाला नहीं है, ये क्या बात हुई भाई। यही तो प्यार है हमारा, जितने देखने वाले हैं वो सब जानते हैं, इस हॉर्न से मुझे बड़ा प्यार है, मतलब पोंपों वाले से। और यहीं से शुरुआत हुई थी फॉक्सवैगन से, इसमें दे दिया टी वाला, यार ये मज़ा नहीं आया, जो भी लेगा पहले वही पोंपों लगवाएगा इसमें। तो भाई यहाँ पर बीच में दिख जाता है फॉक्सवैगन का लोगो और एयरबैग, दो एयरबैग स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। दोनों साइड आपको कंट्रोल्स दिख रहे हैं, ये हो गए हमारे यहाँ पर कंट्रोल्स म्यूजिक सिस्टम वगैरह के लिए, म्यूट लेफ्ट राइट और ऊपर वॉल्यूम अप डाउन। और यहाँ पर दिख जाते हैं आपको वॉइस कमांड, और उसके अलावा अदर यहाँ पर जो चीज़ें हमारी विंडो चेंज करने के लिए, देख रहे हो क्लस्टर में। तो भाई इस तरह से क्लस्टर की इंफॉर्मेशन को चेंज करने के लिए बीच में कर देंगे ड्राइविंग डेटा, ओके हो गया। तो भाई ये आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको दिया हुआ है पूरा। एक बार एडजस्टमेंट देख लेते हैं जरा, कहाँ गया ये रहा, अप डाउन, ओए होए होए होए, मजा आ गया भाई। सेकेंड वेरियंट है, उसमें भी आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों दे दिए हैं, बहुत बढ़िया। और उसके साथ साथ स्टॉक्स देखो यार, कितने प्रीमियम लग रहे हैं, देख रहे हो, देख रहे हैं बिल्कुल नए से लग रहे हैं। और इन्वर्टेड है, इधर लाइट्स के दिए हुए हैं आपको, और यहाँ पर दिया हुआ है आपको वाइपर का।
ऑटोमेटिक कोई नहीं है, दोनों मैनुअल है। ठीक है, ये कहानी यहाँ की पूरी खत्म हो गई। एक बार ये भी निपटाते हैं फिर इधर शिफ्ट होंगे, क्योंकि ये भी टाइम ले लेगा भाई। यहाँ पर देखते हो आप, ये आपको दिया हुआ है इस तरह से, यही देते हैं रोटरी नॉब जो हमारी हेडलैम्प है उनको ऑन ऑफ करने के लिए। और भाई ये हो गया हमारा, उसके अलावा यहाँ पर जो हेडलैम्प है उसके लेवल को एडजस्ट करने के लिए। तो भाई अब आ जाते हैं यहाँ, क्या बात है, क्या स्क्रीन लग रही है भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी वाइड स्क्रीन है। और भाई मस्त चीज़ क्या लग रही है, जो इसके बेजल हैं वो भी यहाँ पर ऐसे ग्लॉसी ब्लैक है, और साथ में ये सराउंडिंग जो है वो भी ग्लॉसी ब्लैक कर दी है, जिसकी वजह से और ज़्यादा बड़े बड़ा लग रहा है यहाँ पर। ये देखो जरा क्या गजब लग रहा है देखने में। और अच्छी चीज़ क्या है, विजिबिलिटी इतनी बढ़िया है, और ऐसे जैसे अपना पहले के वो चलते थे मोबाइल और उसके बाद शुरू हुए फिर एमोलेड स्क्रीन, मतलब ऐसा लगता है बिल्कुल बाहर ही रखी हुई है, वही चीज़ इसमें फील होती है। और आप ये चीज़ देखो, इसमें यही होम है हमारा, और यहाँ पर टच रेस्पॉन्स कितना गजब है। इसमें फॉक्सवैगन प्ले ऐप्स, भाई ऐप भी डाउनलोड कर लो अपना, प्ले स्टोर है इनका। उसके अलावा यहाँ पर देखो ये साइड में ट्रैक्शन कंट्रोल, क्या बात है, डीएक्टिवेट एक्टिवेट कर लो। उसके साथ है वाईफाई का सिग्नल आई, वाईफाई से कनेक्टिविटी होगी इसकी। और यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है जो कि आपको यहाँ दिखती है, मतलब अब मैं ये देख रहा हूँ इतना एडवांस हो गया सिस्टम, ईसीयू से जो एमआईडी में इन्फो आ रही है वही सारी यहाँ पर सिंक हो जाती है। और एक बार यार मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ गाड़ी को, क्योंकि अब आ गए पसीने से हमें, गर्मी लगने लगी है भाई। और गर्मी भाई प्रीमियम नेस की गर्मी तो अलग ही होती है, कहते हैं ना जो लग्जरी सी गाड़ी में आता है बड़ी गर्मी है भाई इसको, तो भाई होती है। तो चलो मजाक हुआ एक तरफ। यहाँ पर ये यूनिट है, अभी ये दिखाऊंगा एसी यूनिट पूरी की पूरी, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, वो अभी आएंगे वहाँ पर। इसको जरा निपटाते हैं, यहाँ पर ये दिख गई गाड़ी, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, उसके अलावा ये हमारा होम है, होम में आपको फ़ोन वगैरह करना है उसके लिए यहाँ पर टच कर देंगे। ठीक, जब कनेक्ट होगा इसमें, और कनेक्ट कैसे करेंगे भाई, वायरलेसली एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले इसमें वर्क करता है, क्या बात है। नेविगेशन वगैरह इसी में दिया हुआ है, ये देखो ये दिख रहे हैं दोनों। ठीक, और फ़ोन जब कनेक्ट करेंगे तीन डिवाइस बतेरे कनेक्ट हो जाते हैं इकट्ठे, कितने 3, 2, 5 कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा इसमें अपने हिसाब से देखो कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं हम, अपनी इसमें प्रोफाइल बना दो और भाई टेंशन फ्री। ये नहीं है कोई सेटिंग चेंज करे, कोई कुछ करे आपके में देख लेगा, वो कुछ नहीं है। ठीक, उसके साथ साथ यहाँ पर डायरेक्ट टच है, वन टच, म्यूज़िक सिस्टम सारा इस समय FM है क्योंकि फ़ोन कनेक्ट नहीं है। उसके साथ एक बार इसे करोगे म्यूट हो जाएगा, ये पावर का है, और ये करोगे फिर ये अनम्यूट हो जाएगा। ठीक, और इसको अगर प्रेस करके रखें तो ये हो जाएगा ऑफ। देखो जरा क्या बात है, ये आ गया इन्फोटेनमेंट सिस्टम इज स्विच्ड ऑफ, यहाँ पर बता दिया हमने। ठीक है, ये हो गई कहानी, मस्त लग रहा है देखने में। 4 स्पीकर 2 ट्विटर तो वैसे ही समा बांध देंगे अंदर। नीचे आपको वेंट्स दिख जाते हैं कुछ इस तरह से, और उसके नीचे आते हैं भाई तो यहाँ पर आपको यूनिट मिल रही है ज़बरदस्ती, देखने में बहुत फ्यूचरिस्टिक है, सारा का सारा टच दिया हुआ है यहाँ पर। बीच में आपको स्टेटस दिखता रहता है कि कितनी स्पीड है, क्या है, जो जनरली दिखता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल में वही। यहाँ ऐसे टच करेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, ऐसे कम होगा, और अगर अच्छा भाई क्या बात है, मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार ऐसे तो बहुत देर लगेगी। ओ भाई स्वाइप बहुत सही, सटा सट, क्या बात है। ठीक है भाई, ये हुआ, कहते होंगे ना देख के भाई कैसे मज़े ले रहा है, खुद वैगनार चला रहा है। हाँ भाई आते हैं मज़े। यहाँ पर आपको दिया हुआ है स्पीड कम ज़्यादा करने का, और भाई बिल्कुल भी प्रोसेस में टाइम नहीं लग रहा है इसमें, ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है। नहीं तो क्या होता है बाकी गाड़ियों में, कुछ गाड़ियों में यहाँ पर ऐसे टच करें थोड़ा सा टाइम लेगा फिर, यानी सेंस करेगा कितना टेम्परेचर क्या है उसके हिसाब से। देखो मैं दबाऊँगा, ये देखो भाई आंधी उठ गई, आंधी बहुत तेज है। इसको करते हैं यहाँ से काम अपना। ठीक है, अच्छा जहाँ टच कर दो उस जगह, हाय हाय क्या बात है, बहुत सही। ठीक है भाई, उसके साथ साथ यहाँ पर दिए हुए हैं ये डिफॉगर, एक बार में मैक्स भर करके आगे, आंधी उठ गई है। ठीक, वो हो गया बंद, तो इस तरह से पूरा का पूरा दिया हुआ है आपको, यहाँ से इसे दबाएंगे तो एसी ऑन ऑफ हो जाएगा। तो ये भाई बहुत टाइम ले लिया यार, मज़ेदार चीज़ें हैं ना यहाँ पर, देखते हो कितना सिंपलिस्टिक दिख रहा है, लेकिन एजेस इसमें भी हैं, प्लास्टिक है पूरी, इसमें कहीं भी आपको जो लेदरेट वाला फील है वो नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हल्का सा टेक्स्चर दिया हुआ है इस तरह से, ये देख रहे हो प्रॉपर जो हमारा कार्बन फाइबर फिनिश होती है वो नहीं है, लेकिन हल्का सा टेक्स्चर है, देखने में अच्छा लग रहा है। यहाँ पर देखते हैं IRVM मैनुअली एडजस्टेबल है, ये रहा हमारा, और उसके साथ साथ यहाँ देखते हैं टिकट होल्डर, यहाँ पर देखते हैं मिरर दिया हुआ वाइजर में, और यहाँ पर हमारी ओए होए होए भाई फोकस वाली लाइट्स हैं, आंखों में नहीं चुभेगी, देखो ऐसे जलेगी पता नहीं चलेगी, लेकिन जहाँ लाइट चाहिए इस जगह यहाँ पर ये लाइट आएगी। सिंगल एंगल जलानी है तो इस तरह से जलेगी ये, यहीं पर ही बीच में माइक है इसमें। ठीक है,
और क्या बचा था यहाँ पर, देखो टाइप सी पोर्ट दिए हुए दो दो, यहाँ पर दिया हुआ आपको वायरलेस चार्जिंग का पैड। पहले मैंने देखा, मैंने कहा यार एक बार चेक करूँ, मैंने लगाया यहाँ पर। और भाई वैसे जनरली हम ऐसे ऐसे रखते हैं ना फोन, इसमें लंबा लंबा जाएगा इस तरह से अंदर की तरफ। और ये आप देख रहे हो, ये आपको दिया बाउंड्री जिससे फोन इधर उधर स्लिप ना हो, रपट ना जाए। और भाई कॉइल बीच में ही है, अपनी जगह पे पोजीशन पे प्लेस रहे वो, अच्छी चीज़ है। अंदर काफ़ी गहरी जगह है ये, ठीक है। और यहाँ पर आ जाते हैं हम, अच्छा यहाँ पर भी, हाँ 12 वोल्ट का सॉकेट भी दिया हुआ भाई, ये भी है, हर किसी के पास नहीं होता, नहीं तो भाई लेना पड़ता वो तो, ठीक। यहाँ पर ये दिया हुआ है, और उसके साथ साथ भाई क्या ग्लॉसी फिनिश में मस्त लग रहा है ये देखने में। 6 स्पीड का गियर बॉक्स है, 1000 cc का इंजन है, TSI इंजन है, पावर अभी बताऊंगा जैसे इंजन में जाऊंगा, लेकिन भाई गियर बॉक्स 6 स्पीड का, जिसकी वजह से हाईवे पे माइलेज बहुत सेट आता है, बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर यहाँ 5 स्पीड होता तो भाई माइलेज के इश्यूज आते, लेकिन 6 स्पीड है जो हाईवे पे जाके मस्त लो RPM पे चलती है गाड़ी, और भाई माइलेज अच्छा निकलता है। 18.1 का कंपनी क्लेम कर रही है, ये आपका जानना ज़रूरी है। और भाई रिवर्स लगाने के लिए इसको ऐसे करा पुश, और ये लग गया रिवर्स अपना। ये है पीछे कैमरा, इस तरह का व्यू दिखाएगा, ये देख रहे हो। और इसको जरा हम करते हैं ऐसे, तो भाई इस तरह की पूरी कहानी हो गई भाई, बहुत टाइम हो गया, पता नहीं कितना ही लंबा बन जाएगा ये वीडियो। आगे का हिस्सा कर दिया हमने कंप्लीट, हाँ ऑलमोस्ट हो ही गया, ठीक है, सारी चीज़ दिखा दी। डेड पैडल यहाँ पर इस तरह से डेडिकेटेड दिया हुआ है, ठीक है। जरा जल्दी से चलते हैं पीछे, अच्छा जगह रह गई है भाई, ऐसे ही नहीं जाने देगी ये गाड़ी जल्दी। यहाँ पर आपको दिया हुआ है सिक्के विक्के रखने की जगह, ये तो कुछ भी नहीं है, खाली है। और भाई यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है कप होल्डर, हैंड ब्रेक और आर्मरेस्ट दी है फैब्रिक के साथ। इसको उठाते हैं और अंदर स्पेस इस तरह से दिया हुआ है, और आगे पीछे, हाँ भाई हाँ, ओए होए होए, बहुत बढ़िया, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, हाँ, क्योंकि पीछे होता तो भाई कोई फ़ायदा नहीं था मेरे जैसे हाइट वालों के लिए, आगे करो तभी फ़ायदा है कुछ। चलो सही हो गई कहानी, बढ़िया चीज़ है, पॉइंट मिल गए, नंबर मिल गए गाड़ी को। तो भाई इसको आप कर देते हैं एक बार बंद यहाँ से, अब चलते हैं जरा रियर स्पेस में कि वहाँ क्या कहानी है। मैं अपने हिसाब से एक बार एडजस्ट कर लूँ, अभी पीछे हो रही है ज़रा, हाँ ये मेरे हिसाब से हो गई एडजस्ट। अब जरा चलते हैं रियर स्पेस में, 2650 mm का इसमें मिल रहा है आपको व्हील बेस। अब जरा चेक करें, उम्मीद तो है सब 4 मीटर में ही अच्छे खासे मिल जाए। अरे भाई ये तो क्या ही कर दिया, मतलब इतना ही स्पेस, क्या ज़रूरत है इतने स्पेस की। यहाँ देख रहे हो भाई अंडर थाई सपोर्ट बहुत है, बहुत आगे भी बहुत था और पीछे भी। अरे भाई साहब, हाँ पहले ये भी देख लो भाई, यहाँ पर आपको दिया हुआ कुछ इस तरह का ट्रिम, सॉफ्ट टच यहाँ पर भी है, पावर विंडो का बटन ये है, हैंडल इस तरह से है, नीचे आपको स्पीकर ग्रिल और यहाँ पर बॉटल होल्डर मिल जाता है। इसको आप कर देते हैं बंद, ओए आवाज़ सुनो, देखो जरा, ओरे भाई ये आवाज़ कब से नहीं सुनी थी, ओए होए भाई आवाज़ ऐसी आ रही है धम्म करके। ये स्पेस है भाई साहब, ये देखना जरा क्या बात है भाई, पूरे पैर सीधे कर रहा हूँ तो टच हो रही है, 5.5 हाइट है रेफरेंस के लिए। और पॉकेट, हाँ पॉकेट यहाँ पर दी हुई है, ठीक इस तरह से। पीछे वालों के लिए भाई यहाँ पर आपको दे दिए हैं इस तरह से AC वेंट, नीचे यहाँ पर कोई भी 12 वोल्ट का सॉकेट नहीं है, डायरेक्ट टाइप सी आपको दे दिया, दो दो पोर्ट, बहुत सही, आगे भी दो पोर्ट है पीछे भी दो पोर्ट हो गए। अंडर थाई सपोर्ट बहुत सारा है, बहुत सारा, ठीक। हम देखते हैं, हाँ हम ऊँचा उतना ऊँचा नहीं है और ठीक है, ओके कोई दिक्कत नहीं देगा। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ भाई, सेकेंडरी लैंप आपको दिए हैं कुछ इस तरह से, और ये भी वही भाई फोकस वाले ही हैं। अगर किसी को लगता है यार पैसे ज़्यादा हैं, तो भाई ये चीज़ें मैं बता रहा था ना आपको कि एक एक करके देखते जाओ, आपको खुद समझ आएगा कि हाँ कीमत बिल्कुल वर्थ करती है ये। और भाई क्या बात है, यहाँ पर आपको हुक मिल जा रहा है, कोट होल्डर, और मस्त लग रहा है यार बैठने में। आर्मरेस्ट भी दे दिया आपको, बहुत सही, और हाइट सही है आर्मरेस्ट की, कप होल्डर साथ में दे दिया आपको, ठीक है, मस्त बैठो ऐसे टांग फैला के, बिल्कुल इतना ही स्पेस है, क्या बात है, नज़ारे ही नज़ारे। इसको करते हैं जरा यहाँ फोल्ड, और बीच वाले पर्सन के लिए भी छोटा सा, बिल्कुल जरा सा आपको दे दिया यहाँ पर हेडरेस्ट, ठीक है। और हाँ ये रहा एडजस्टेबल है, ये भी तीनों हेडरेस्ट पीछे तीन है, तीनों हेडरेस्ट एडजस्टेबल है, पीछे के आगे के दोनों हेडरेस्ट एडजस्टेबल हैं, बढ़िया चीज़ है। अब जरा चलते हैं पीछे, बूट स्पेस कितना दे रही है गाड़ी में, ओए होए होए। अब आती है बात यहाँ की, वैसे बटन देखने में लगता है यहाँ पर आपको बटन फील ही नहीं होगा, ये देखो जरा, ये देख रहे हो यहाँ पर कहीं भी फील नहीं होता, बस अरे पों पों यार, सिंगल पों अच्छा नहीं लगता, इसको कम बजाया करो भाई। तो भाई ये देख रहे हो, ये यहाँ पर है इस तरह से दबाने पर, और ये तो कैमरा ही दिख रहा अपना, इसको ज़रा करते हैं यहाँ। और भाई ये आपको मिल रही है पार्सल ट्रे कुछ इस तरीके से, ये मिलता है बूट स्पेस,
करीब करीब 385 लीटर का है ये, क्या बात। यहाँ पर आपको लैंप मिल जाती है और ये साथ में मिल रहा है हुक, इधर भी है और इधर भी है, तीन तीन केजी की लिमिट है और सही है। बाकी ये 60-40 वाला आपको बताया था, स्प्लिट सीट ऑप्शन है, ज़्यादा डीप नहीं है कुछ इस तरह से। और हाँ, इसमें ज़रा देखते हैं, चेक करते हैं, ये मिल जाता है आपको स्पेयर व्हील कुछ इस तरह से, यही टूल वगैरह आपको दिख रहे हैं। और देखो इसमें वो वाला हैंडल नहीं दिया, ये इस तरह से दिया है इसको पकड़ के यहाँ पर। और हाँ, इसमें और मस्त चीज़ क्या है, पीछे ये लाइटिंग सेटअप तो अच्छा लगता ही है, ठीक। और साथ में ये जो आप देख रहे हो ये लाइट्स, ये भी अपने भाई LED है, वाइट कलर की जलती हैं, मस्त लगती है भाई, कुछ तो बात है, क्या बात है टाइगुन। तो भाई बहुत टाइगुन के गुण गा लिया हमने, अब बात आ जाती है इसके इंजन की। खोलते हैं यहाँ पर इसका इंजन बे, तो ये है भाई, उम्मीद तो बहुत है भाई, हैवी होना ही चाहिए। और मोटाई कितनी लग रही है इसकी, ओए होए भाई, भाई लिटरली काफ़ी भारी है, सीरियसली। इस तरह से दिया है, क्लैडिंग कोई नहीं दी, इंसुलेशन कोई नहीं दिया, क्योंकि विश्वास है भाई कंपनी को, ये है इसकी जान, ये है फॉक्सवैगन के लवर्स जो हैं, फॉक्सवैगन के दीवाने हैं उनकी जान। 1.0 वाला TSI इंजन है, 114 BHP, मतलब 1000 CC होते हुए 114 BHP की पावर देता है, रॉकेट बना देता है भाई गाड़ी को। और दीवाने वैसे ही आप जानते हो पोलो में क्या गदर मचाया है इस इंजन ने। टॉर्क की बात करें तो करीब करीब 178 Nm का आपको ये टॉर्क दे देता है, जो कि वाकई में बहुत बढ़िया है। तो इस तरह से पूरा लेआउट है, ABS, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, सारी चीज़ें, ब्रेक असिस्ट, सब कुछ दे दिया आपको भाई इस गाड़ी में। तो ये निपटाते हैं अब, ये थी हमारे पास हाईलाइन, मतलब बीच का वेरिएंट, ठीक, फॉक्सवैगन टाइगुन का। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं टाइगुन टिगवान, तो भाई ये टाइगुन है, टिगवान फिर वही 40 लाख वाली मोटी आसामी वाली चीज़ है, वो भी आएगी जल्दी, ठीक है। तो ये मिड वेरिएंट था, सारी चीज़ें आपने देख ली, गाड़ी मस्त है। पैसे की बात करें 13,12,99,900 रुपये एक शोरूम प्राइस है, ऑन रोड की बात करें यहाँ पर फॉक्सवैगन हल्द्वानी में ये आपको पड़ जाती है करीब 15,20,000 रुपये की। तो भाई ये होती है गाड़ियाँ कंप्लीट। गाड़ी कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा बताना जरूर। अगर आपको गाड़ी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों का सब्सक्राइब कर लेना संस्कार चैनल। जय हिंद।